हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रसिका पगारिया फ्रॉम अरहम कॉलेज. इन लास्ट लेक्चर वी वर स्टडिंग अबाउट द अंडरस्टैंडिंग मीडिया एज पर मैकलुहान. राइट, मैकलुहान के हिसाब से अपन मीडिया पढ़ रहे थे, लाइक मीडिया क्या है, कैसा होना चाहिए, ये अपन पढ़ रहे थे. फिर अपन मैकलुहान क्या है, उसने अपनी बुक में द एक्सटेंशन ऑफ मैन, उसमें उसने मीडिया के बारे में लिखा है एंड ऑल. देन He compared this media with the tube light. He gave the example of light bulb, right? जैसे रात होती है light bulb लगता है, light bulb के बिना क्या है, अंधेरा है. उसी तरह social media भी अपने जीवन में काम करता है. Then he stated that content had little effect on society. अब जो भी content लिखते हो, जो भी रहता है, वो society पे असर करता है. The book is the source of well-known phrase. The medium is the message. Then मैकलुहान स्टेटेड दैट अ न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया चेंजेस द सोसाइटी, इट फोकसेस ऑन मैनी अदर मीडियाज ऑल्सो. देन वी हैव आइडेंटिफाइड टू मीडियाज एज पर मैकलुहान. देर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया, दैट इज हॉट मीडिया एंड कोल्ड मीडिया. कूल मीडिया में क्या आते हैं, यहाँ पे यूजर्स बहुत सारे देखने को रहते हैं बट लो डेफिनेशन रहता है, एग्जाम्पल टेलीविजन. और हॉट मीडिया क्या है, यहाँ पे ऑडियंस आर लो इन ऑडियंस पार्टिसिपेशन ड्यू टू देयर हाई रिजोल्यूशन, एग्जाम्पल है फिल्म. देन इन अदर पार्ट मैकलुहान डिस्कसेस द कंटेंट ऑफ मीडियम इज ऑलवेज अनदर मीडियम. देन In part 2, McLuhan analyzes each medium is the matter that exposes the form rather than the content of the each medium. Then McLuhan ने above points cover किए, जैसे कि बाबा comic, printed word, the bicycle and the airplane, photograph, press, the motor car, ad, games, telegram, typewriter, the telephone, movie, radio, ये सब कुछ McLuhan ने cover किए points. Now we were looking at the role of media. See, आज role of media क्या है, बहुत बड़ा है. हाँ, television, press, online news, सब कुछ अपन देख सकते हैं. और अभी just अगर आपके पास smartphone है, सबके पास smartphone है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक बटन दबा दे आपको सारी information मिल जाएगी. So media के पास इतना power है कि वो opinion भी change कर सके कुछ topic पे. बट मेजर टॉपिक्स लाइक एडुकेशन एंड रिलीजियस पे, इस पे मीडिया ज़्यादा बात नहीं करते. मीडिया से क्या पता है अपने को, रियलिटी पता चलती है. हाँ, ऑडियंस का क्या एटीट्यूड है, क्या बिलीफ है इस मैसेज के प्रति, ये सब अपने को कैसे पता चलता है, ये सब अपने को मीडिया के थ्रू ही पता चलता है. कुछ कुछ चीज़ों में क्या रहता है, कुछ लोगों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहता है, नॉलेज रहता है. राइट, तो अगर कुछ भी मीडिया बोलेगी तो लोग क्या करेंगे, तुरंत कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे. वो बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता. क्यों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे मैं कह रही हूँ. तब क्या है, तो मीडिया पे क्या रहता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो सब कुछ प्रॉपर कवर करें और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दें. फिर द एजेंडा सेटिंग थ्योरी इज़ द बेसिक एम्फसाइज ऑन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन. राइट, देन मैकलुहान लुमेन लर्निंग स्टेट, टू बेसिक अजम्पशन यहाँ पे उन्होंने बोले हैं. एक तो क्या है, प्रेस एंड द मीडिया डू नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी, दे फिल्टर एंड शेप इट. मतलब ये प्रेस और मीडिया क्या करते हैं, एक्चुअल रियलिटी बोलते ही नहीं है. एक्चुअल रियलिटी को क्या करते हैं, थोड़ा प्लस माइनस करते हैं, फिल्टर करते हैं, एक नया मोड़ दे के बोलते हैं. और अदर सब्जेक्ट क्या है, और अदर द सेकेंड टाइप क्या है, मीडिया क्या करती है, किसी पर्टिकुलर इश्यूज़ पे ही कॉन्सेंट्रेट करती है. लाइक कुछ इश्यूज़ पे ही, फ्यू इश्यूज़ पे ही बात करती है, और उस इश्यूज़ पे इतने ऐसे बात करती है, लाइक उसका पिछला, लाइक पास्ट कैसा था, क्या था, उसके ऊपर भी पूरी इंफॉर्मेशन देती है. देन एजेंडा सेटिंग इज थ्रू अ कॉग्निटिव प्रोसेस नोन एज एक्सेसिबिलिटी. एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या है, आप वो न्यूज़ प्रॉपरली कवर करो, फ्रिक्वेंटली वो सब करते जाओ. राइट, तो फिर फ्रिक्वेंटली, अगर आप अपन जैसे फ्रिक्वेंटली एक ही ऐड बार बार देखेंगे तो क्या है, अपने दिमाग में वो बात बैठ जाती है ना, कहीं ना कहीं तो बैक ऑफ द माइंड तो भी अपने पास वो
इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे अभी वो मामा अर्थ वो प्रोडक्ट का कितना वो सारा के ऐड बार बार बताते हैं, हर बार बताते हैं। तो क्या है, जब भी आप शैम्पू या कुछ लेने जाओ तो आप एक बार उसके बारे में सोचोगे ना, क्यों? क्योंकि बार बार देखने के बाद इट इज़ इन बैक ऑफ योर माइंड। देन द एजेंडा सेटिंग थ्योरी ऑल्सो हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन शेपिंग पब्लिक एडुकेशन, बिकॉज पेरेंट्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट वेयर देयर चिल्ड्रन गेट एडुकेटेड एंड दे विल पिक स्कूल बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्ट सच एज स्पोर्ट्स, रिलीजन, थिएटर, टीचर, रेपुटेशन एक्सेट्रा। सी अभी पब्लिक एडुकेशन में भी क्या एक एजेंडा रहता है, राइट? अगर पेरेंट्स को, जैसे अभी छोटा बच्चा है अभी स्कूल में डालने का, तो अपन क्या करते हैं, एक दो तीन लिस्ट निकालते हैं स्कूल की, जो मोस्ट पॉपुलर स्कूल्स है पूना में, और अपना एरिया भी देखते हो आप लोग, आपके एरिया में आसपास कौन सी स्कूल है, क्या है, ये सब देखते हो। उसमें से आप दो तीन स्कूल शॉर्टलिस्ट करते हो। क्यों करते हो शॉर्टलिस्ट? ज़रूरी है ना शॉर्टलिस्ट करना, ताकि आपको पता चले कि बाबा कौन सी रेप्यूटेड स्कूल है, टीचर्स कैसे हैं वहाँ पे, स्पोर्ट्स, इन सबको कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है एंड ऑल। ये सारे फैक्टर्स मालूम अपन देखते हैं, उसके बाद ही वी सिलेक्ट वन स्कूल, राइट? तो इन करेंट टाइम्स प्राइवेट स्कूल विल टीच इवोल्यूशन बिकॉज ऑफ ए पर्सन वर्सेस अर्कासास, वेयर अर्कासास लॉ प्रोहिबिटेड द टीचिंग ऑफ इवोल्यूशन वॉज इन वोलेशन ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट। इन रिएक्शन टू द एपर्सन केस, क्रिमिनलिस्ट्स इन लुइस पास द लॉ रिक्वायरिंग दैट पब्लिक स्कूल शुड गिव इक्वल टाइम टू अल्टरनेटिव थियरीज ऑफ ओरिजिन। सी आज क्या है, आज प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, और पेरेंट्स लोग क्या देखते हैं, अरे यार पब्लिक स्कूल नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक स्कूल में वही सारा गीता, वही सारा चलते रहता है, कुछ ना कुछ तो ऐसे वैसे, लाइक इट इज़ पब्लिक स्कूल आज अप टू द मार्क नहीं रहा। बहुत से पेरेंट्स के क्राइटेरिया पे सही नहीं होता है पब्लिक स्कूल, और ये जो हाई सोसाइटी उनमें क्या है, और ये प्राइवेट स्कूल में, बड़ी स्कूल में जा रहा है, तो लाइक वाह 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 ऐसे रहता है। तो प्राइवेट स्कूल क्या है, नए नए टीचिंग मेथड लाता है। क्यों? क्योंकि ये इपर्सन वर्सेस अक्रानास, जहाँ पे अक्रानास लॉ प्रोहिबिट करता है नए नए टीचिंग्स नहीं लाओ करके, और इन रिएक्शन टू द एपर्सन केस क्या है, उसने लॉ लाया कि बाबा इवन पब्लिक स्कूल खुद भी क्या है, अल्टरनेटिव चीज़ें करना चाहिए। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बर्गिट मेयर एंड एनिसी मॉर्स, इन रिलीजन, मीडिया एंड द पब्लिक स्पीयर, मॉडर्निस्ट अजम्पशन अबाउट द डिक्लाइन ऑफ रिलीजन एज अ पब्लिक फोर्स नॉट विदस्टैंडिंग रिलीजियस आर ड्राइविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सी अकॉर्डिंग टू बर्गिट मेयर एंड एनालिसिस मॉरिस, इन रिलीजन, क्या बोल रहे हैं, मीडिया एंड पब्लिक स्पीयर, मॉडर्निस्ट अजम्पशन क्या है, आज रिलीजन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। हाँ, रिलीजन आज सबका एक होते जा रहा है, आज ऐसे रिलीजन में बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं है ना। अब किसी भी स्कूल में जाओ, हर रिलीजन के लिए आपको एक फिक्स्ड कोटा मिलेगा, राइट? अगर आप इसमें जाओ, विंसेंट में जाओ, तो क्रिश्चियनिटी का एक कोटा रहेगा, देन ओबीसी का एक कोटा रहेगा, फिर अदर क्लास का एक रहेगा, जनरल का एक कोटा रहेगा। ये सब क्यों है? ताकि सब कास्ट के बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ सकें। हाउएवर, वन मेजर इशू इज़ द प्रेजेंस ऑफ रिलीजन इन पब्लिक स्पीयर, एस्पेशली इन पॉलिटिक्स। सी एक मेजर इशू क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ रिलीजन इन पब्लिक स्पीयर एस्पेशली इन पॉलिटिक्स, क्या है? रिलीजन्स कन्विक्शन इमर्ज इन पब्लिक डिबेट ओनली एज ओपिनियन, एंड द होल्डर्स ऑफ सेड ओपिनियन मस्ट एंगेज अदर ओपिनियन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ रैशनल एंड डिस्कसिव रूल। अगर अपन रिलीजन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ रिलीजन बात कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या है, एक मेजर इश्यूज है दैट इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक स्पीयर, एस्पेशली इन पॉलिटिक्स। रिलीजन क्या करते हैं, रिलीजन
कोविक्स एमरजेंस इन पब्लिक डिमेंड डिबेट। रिलीजन में क्या होता है, बहुत बार रिलीजन पे पब्लिक डिबेट भी होता है। ओपिनियन एंड द होल्डर्स ऑफ सेड ओपिनियन, ये क्या है, दे मस्ट एंगेज अदर ओपिनियन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ रैशनल एंड डिस्कसिव रूल्स। बट पार्ट ऑफ द रीजन रिलीजियस आर थ्राइविंग इज बिकॉज ऑफ न्यू रिलीजियस आर बींग क्रिएटेड और आर अ ब्रांच रिलीजन। देर आर मेनली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड टू क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द मॉडर्न स्टेट टू कंटेन रिलीजन। सी दिस आर, ये सब क्यों हो रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स। और ये जो क्वेश्चन है, द अथॉरिटी ऑफ द मॉडर्न स्टेट, इट ऑल्सो कंटेन्स अबाउट द रिलीजन एंड ऑल। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द एमर्जिंग रिलीजन इज फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, विच इन शॉर्ट इज डिस्क्राइब एज अ रिएक्शन अगेंस्ट अनरिचेबल मॉडर्नाइजेशन। सी एक एग्जाम्पल वो बोल रहे हैं रिलीजन, और बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट है वो है मुस्लिम ये, और ये और उनको बोला गया कि बाबा दे डिस्क्राइब एज अ रिएक्शन अगेंस्ट अनरिचेबल मॉडर्नाइजेशन। ईच पर्सन ट्राइज टू गेट देयर ओन ओपिनियन आउट एंड क्रिएट अ न्यू रिलीजन इन अ ग्रेट वे टू पब्लिसाइज योर सेल्फ एंड फाइंड अदर्स हु हैव द सेम बिलीफ। सी यहाँ पे क्या है, ईच पर्सन, हर एक इंसान क्या कर रहा है यहाँ पे, ही इज ट्राइंग टू गेट हिज ओपिनियन, और एक नया रिलीजन, एक नया आइडिया लाने की ट्राई कर रहा है, और वो आइडियाज बिलीव बाकी लोगों को भी बोल रहा है, सो दैट दे हैव अ सेम बिलीफ। ऑन द अदर हैंड, द अडॉप्शन ऑफ मास मीडिया रेजेस मैनी कंसर्न ऑफ अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। सी ऑन द अदर हैंड क्या है, ये जो मास मीडिया है, इट रेजेस मैनी कंसर्न ऑफ अथॉरिटी, इसमें बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है एंड लेजिटिमेसी है। इट इज़ नो सीक्रेट पीपल विल डू एनीथिंग टू बी सीन और हर्ड, विच वुड क्रिएट अनदर इशू इन रिलीजियस पर्सन गोइंग ओवर द टॉप एंड इन अप्रोप्रिएट एक्सप्रेसिंग देयर रिलीजन। सी इट इज़ नो सीक्रेट पीपल विल डू एनीथिंग, अभी सीक्रेट तो कुछ रहता है नहीं आजकल, पीपल लाइक कुछ भी करते हैं दिखाने के लिए, सुनने के लिए, और इससे क्या होते हैं, नए नए इश्यूज आते हैं इन रिलीजन पर्सन गोइंग ओवर द टॉप एंड इनअप्रोप्रिएट एक्सप्रेसिंग देयर रिलीजन। मीडिया इज नॉट जस्ट एन एनिमी फॉर रिलीजन, मीडिया क्या है, ये एक एनिमी नहीं है किसी भी रिलीजन के लिए। सही बात है ना, मीडिया थोड़ी किसी की एनिमी है, मीडिया कभी किसी की एनिमी नहीं होती है। अगर आप गलत काम करते हो तब भी मीडिया लोगों को बताती है कि देखो ये गलत चीज़ हुई है सोसाइटी में, सही काम करते हो तब भी मीडिया बताती है, तो आप मीडिया को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। मीडिया किसी की भी दुश्मन नहीं है, और नॉर मीडिया कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ द एक्ट और एक्टिविटी। सो मीडिया इज़ नॉट जस्ट एन एनिमी फॉर रिलीजन, इट हैज़ इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल। सी मीडिया का क्या है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। अकॉर्डिंग टू न्यू मीडिया एंड द रिशेपिंग ऑफ रिलीजन प्रैक्टिसेस, सी यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू न्यू मीडिया एंड द रिशेपिंग ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, न्यू मीडिया टूल्स सपोर्ट नेटवर्क्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिटी। सी अभी जो नया मीडिया है वो रिलीजन को भी एक नया रूप दे रहा है, इट इज़ ट्राइंग टू रीशेप द रिलीजन प्रैक्टिसेस ऑल्सो। सो ये जो न्यू मीडिया टूल है, ये प्रॉपर नेटवर्क फॉर्म ऑफ कम्युनिटी है। हाउ इज़ इट, इट इज़ अ प्रॉपर नेटवर्क फॉर्म ऑफ कम्युनिटी, एनकेजेस एक्सपेरिमेंटेशंस विथ रिलीजियस आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन एंड प्रमोट ड्रॉइंग फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट रिलीजन सोर्सेज एंड एनकाउंटर्स साइमल्टेनियसली। ये जो न्यू फॉर्म ऑफ रिलीजन, न्यू मीडिया जो है वो क्या कर रही है, इट इज़ ट्राइंग टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिटी, लोगों को नए नए एक्सपेरिमेंट से बोल रही है कि बाबा अपना रिलीजन आइडेंटिटी करो, अपने रिलीजन में कुछ गलत है तो उसको सही करो, प्रेजेंट कर रही है अच्छे से, और इट इज़ बहुत सी चीज़ें वो प्रोमोट कर रही है रिलीजन सोर्सेस के लिए। दिस एनकरेजेस एन ओपन फ्लूइड
and individualist form of religion engagement, because the media is being used to redefine religion practice in contemporary life. See, this encourages an open, fluid and individual form of religious engagement. इससे क्या होता है, एक अच्छा नया रिलीजन होता है. अगर मैं आपको बोल के दूँ एंड अगर मैं आपको पटा के दूँ कि देखो आपके रिलीजन में ये चीज़ गलत है, तो क्या है, आप सच में सोचोगे, राइट? और क्या करोगे, यू विल ट्राई टू रीडिफाइन दैट प्रैक्टिस. अ ह्यूज आउटब्रेक ऑफ रिलीजन ब्लॉग स्टार्टेड विच वुड हेल्प पीपल गेट अ मोर पर्सनल व्यू ऑफ रिलीजन एज वेल एज पर्सनल ओपिनियन. सी, एक नया अ ह्यूज आउटब्रेक ऑफ रिलीजियस ब्लॉग भी स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर क्या है, आपको नया रिलीजन के बारे में व्यू मिलता है एज वेल एज आपका पर्सनल ओपिनियन भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है. सही, अच्छी बात हो रही है ना, सही चीज़ हो रही है. लाइक एक नया ब्लॉग लिखते तो क्या है, एक नई नई चीज़ें सुनने को मिलती है, नए नए आइडियाज़ आते हैं और प्लस आपके नए नए व्यूज़ सामने वाले को भी मिलते हैं, तो क्या है, एक अच्छा रिलीजन फॉर्म होता है. इन जनरल मीडिया इज बेसिकली 50-50 इन हेल्पिंग और हर्टिंग द पब्लिक. सी, अगर आप बात करने जाओ तो मीडिया क्या है, बेसिकली डिस्प्लेइंग 50-50 रोल. 50-50 रोल यानी क्या, अच्छा काम भी कर रही है वो मीडिया और बुरा काम भी कर रही है. सिंस एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ, इट इज़ वेरी हार्ड टू हाइड इन्फॉर्मेशन बिकॉज पीपल कैन जस्ट लुक एनीथिंग अप. से सिंस अभी आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, आज आप ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट जाता है इन्फॉर्मेशन छुपाना. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हाइड द इन्फॉर्मेशन. बराबर है, अगर आपने ऑनलाइन कुछ खरीदा है, लाइक अगर आपने फेसबुक के थ्रू ऑनलाइन कुछ खरीदा है, कुछ किया है, तो क्या है, तो तुरंत लोग रिव्यू देते हैं ना, बहुत से लोग रिव्यू लिखते हैं. कोई बहुत पॉजिटिव रिव्यू लिखता है, कोई नेगेटिव रिव्यू भी लिखता है. पॉजिटिव लोग तुरंत लिख देते हैं, बट नेगेटिव रिव्यू क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है लिखने को. अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो तुरंत सोशल मीडिया में आपके बारे में बोल दिया जाएगा कि ये प्रोडक्ट ख़रीदा था बट उसने अप टू मार्क मुझे सर्विस नहीं दिया है. तो आप जब भी खरीदो ध्यान दे के खरीदो. अच्छा, पहले जब ये अमेज़ॉन वगैरह आए थे तो क्या था, उसमें एक इशू क्या था कि रिटर्न पॉलिसी नहीं थी. अगर साइज़ में प्रॉब्लम आ जाए, डिफेक्ट में प्रॉब्लम हो जाए, नया नया आता तब रिटर्न होता था क्या, नहीं होता था. अब क्या हो गया है, अब यू हैव अ रिटर्न पॉलिसी ऑल्सो. क्यों, जैसे जैसे लोगों ने खरीदना शुरू किया तो एक स्टेज आया, लोगों ने उस पर अमेज़ॉन पे वगैरह शॉपिंग कम कर दी, ऑनलाइन शॉपिंग कम कर दी. क्यों, क्योंकि रिटर्न नहीं जाता था. अब क्या है, लोग बाहर कम जाते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग ही ज़्यादा कर रहे हैं. बराबर है ना, आज आपको कुछ भी चाहिए आप पहले ऑनलाइन ही देखते हो ना. कहाँ बाहर जाऊँ, कहाँ देखूँ, कहाँ ढूँढूँ, उससे बेटर ऑनलाइन देखता हूँ. सारी वैरायटी जो भी है मुझे ऑनलाइन मिल जाती है एंड टिक इट ऑनलाइन. और अगर प्रोडक्ट डिफेक्ट रहा, कुछ गलत रहा या नहीं चाहिए रहा, तो तुरंत कैंसिल भी हो जाता है आपका ऑर्डर, आपको पैसे भी आपके अकाउंट में आ जाते हैं. मीडिया हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ पीपल व्यू थिंग्स, एस्पेशली रिलीजन एंड एडुकेशन. सी, मीडिया का क्या है, देयर इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ पीपल व्यू थिंग्स. इस पर लोग कैसी वो चीज़ें सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर मीडिया असर कर देता है, इसके ऊपर मीडिया ध्यान देता है, स्पेशल रिलीजन एंड एडुकेशन. रिलीजन एंड एडुकेशन विल ऑलवेज बी कॉन्ट्रोवर्शियल इन पब्लिक ओपिनियन. सी, रिलीजन मैटर और एडुकेशन मैटर, ये क्या रहेंगे, हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल रहेंगे इन पब्लिक ओपिनियन, राइट? इन पे आप कितनी भी बातें कर लो, कितना भी डिबेट कर लो, इन पे कोई सलूशन मिलना आसान नहीं है. एस्पेशली बिकॉज इट हैज़ बीन ऑल सीन द क्रिएशन ऑफ बोथ. Especially कब, you have seen the creation of both. As long as the reader uses informative and scholarly source, they will be able to formulate a rational opinion over a certain topic through media. See, as long as the reader आपका use करते हैं information, source वगैरह देखते हैं, उनको क्या है, नए नए opinions आते हैं, नए नए topics भी मिलते हैं यहाँ पर. See, आज ये पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया.
क्या पॉइंट था अपना आज, वी आर स्टडिंग अबाउट द रोल ऑफ मीडिया. रोल ऑफ मीडिया क्या है, एडुकेशन, रिलीजन, हर इसमें मीडिया इम्पोर्टेंट प्ले करती है. इनफैक्ट मीडिया प्लेज द 50-50 रोल. नाउ विल मूव टूवर्ड्स द पब्लिक ओपिनियन डेफिनेशन. पब्लिक ओपिनियन का डेफिनेशन, मीनिंग, ये सारा अपन पढ़ेंगे. पब्लिक ओपिनियन डेफिनेशन, पब्लिक ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ द डिज़ायर, वॉन्ट्स एंड थिंकिंग ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल. इट इज़ द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी और स्टेट ऑन एन इशू और प्रॉब्लम. सी पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक ओपिनियन ये डिज़ायर पे है, वॉन्ट्स पे है, राइट. लोग क्या सोचते हैं, बहुत से लोग क्या सोचते हैं इस पे है. और पब्लिक ओपिनियन क्या रहता है, इट इज़ द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द पीपल. ये बहुत से लोगों का सिमिलर ओपिनियन रहता है. इसमें सोसाइटी आते हैं, स्टेट्स आते हैं, बहुत से इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, इन सब का, इन सब के बारे में लोग क्या सोचते हैं, कलेक्टिव ओपिनियन मायने रखता है. पब्लिक ओपिनियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इवोक टर्म्स इन द अमेरिकन पॉलिटिक्स. सी पब्लिक ओपिनियन क्या है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इवोक टर्म्स इन अमेरिकन पॉलिटिक्स. एट द मोस्ट बेसिक लेवल पब्लिक ओपिनियन रिप्रेजेंट्स पब्लिक कलेक्टिव प्रेफरेंसेस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. सी एट द मोस्ट बेसिक लेवल क्या है, सिंपल बेसिक लेवल पे क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द पीपल, उनके थॉट, और वो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल व्यूज, ये सारे क्या होते हैं, इट ऑल वी कैन नो ऑल दिस ओनली थ्रू द पब्लिक ओपिनियन. सो पब्लिक ओपिनियन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इट. पब्लिक ओपिनियन कैन बी डिफाइंड मोस्ट जनरली एज द सम ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स ओपिनियन. सी पब्लिक ओपिनियन कैन बी डिफाइंड मोस्ट जनरली. पब्लिक ओपिनियन अपन कैसे है प्रॉपरली डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स ओपिनियन, राइट. सबके अलग 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 ओपिनियन रहते हैं, उन सबको एक साथ मिला के एक कॉमन ओपिनियन बना सकते हैं. मोर स्पेसिफिक नोशंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन प्लेसेस ग्रेटर वेट ऑन इंडिविजुअल्स, मेजॉरिटी, ग्रुप्स और इलाइट ओपिनियन व्हेन कंसिडरिंग पॉलिसी डिसीजन. सी मोर स्पेसिफिक नोशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन प्लेसेस ग्रेटर वेट. पब्लिक ओपिनियन स्पेसिफिकली किस पे काम करता है, इंडिविजुअल्स पे, मेजॉरिटीज पे, ग्रुप्स पे, और जिसके ज़्यादा ओपिनियन रहेंगे, लाइक कोई टॉपिक है उसके ऊपर जिसके ज़्यादा ओपिनियन रहेंगे उसको इम्पोर्टेंस रहेगा, दैट वुड बी अ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. द पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल ओपिनियन इज द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स एटीट्यूड्स और बिलीव्स हेल्ड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन. सी पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन ये क्या है, ये सारे लोगों के बिलीव्स का एक ओपिनियन आ जाता है. द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ मैनी पीपल ऑन सम इश्यूज, प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, एस्पेशली एज अ गाइड टू एक्शन, डिसीजन और द लाइक्स. कलेक्टिव ओपिनियन क्या रहता है, ये बहुत से लोगों के ओपिनियन रहते हैं ऑन सम इश्यूज, प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, एज अ गाइड टू एक्शन, डिसीजन और द लाइक. पब्लिक ओपिनियन इज द मेजर ऑफ वॉट द पब्लिक थिंक अबाउट द पर्टिकुलर इशू, पार्टी, इंडिविजुअल, पॉलिटिकल फिगर एक्सेट्रा. पब्लिक ओपिनियन क्या है, ये एक मेजर है जिससे अपने को पता चले कि बाबा लोग क्या सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर पार्टी के बारे में, वो इश्यूज़ के बारे में, या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में. पब्लिक ओपिनियन मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड इट हैज़ चेंज इट्स मीनिंग ओवर द ईयर्स. सी पब्लिक ओपिनियन क्या है, ये एक डिफरेंट थिंग है तो अलग अलग लोगों के लिए, एंड इट हैज़ चेंज इट्स मीनिंग ओवर द ईयर. वेर एज जर्नी बैथम डिफाइंड इट एज अ सिस्टम ऑफ लॉ इमेंटिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ पीपल. सी बैथम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये एक सिस्टम ऑफ लॉ है जिससे अपने को लोगों के बॉडी के बारे में, सोच के बारे में पता चलता है. रॉबर्ट पिल डिफाइंड इट एज दैट ग्रेट कंपाउंड ऑफ फोली
weakness, prejudice, wrong feeling, right feeling, obstinacy and newspaper paragraph. उसके ऊपर रॉबर्ट पिलम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये एक कंपाउंड है लाइक एक बहुत बड़ा इट एक्ट एज अ ग्रेट वॉल लाइक बोल सकते हैं अबाउट द फॉली वीकनेसेस प्रेजुडाइज रॉन्ग फीलिंग राइट फीलिंग न्यूज़पेपर फोटोग्राफ्स पैराग्राफ्स इसके बारे में. ए वी डाइसी डिफाइंड इट एज द विशेस एंड द आइडियाज एज टू लेजिस्लेचर हेल्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ दोज सिटीजन हु हैव टेकन एन इफेक्टिव पार्ट इन पब्लिक लाइफ. ए वी डिसाइज डिफाइंड इट एज द विश एंड द आइडिया एज टू लाइक मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या सोचते हैं क्या करते हैं उस पर है. ऑन द अदर हैंड वी ओ की डिफाइंड इट एज दोज ओपिनियन ऑफ प्राइवेट पर्सन्स विच गवर्नमेंट फाइंड इट प्रूडेंट टू हीड. वी ओ क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये पब्लिक ओपिनियन है अबाउट किसी गवर्नमेंट के बारे में या किसी पर्सन के बारे में जिससे फ़र्क पड़ता है समाज में. विल वाइंड अप अवर लेक्चर यो इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द पब्लिक ओपिनियन मीनिंग. मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल आई डी इज rasika.pagaria@ अरहम edu.in. थैंक यू.